सारा सरपंच मुखिया वार्ड परिषद। तो फिर जेलोसी था, सिवान के बारे में आप सुने भी होंगे, साहबुद्दीन का जिला है, जस्ट हमारे बगल में उनका घर भी है। तो हमने जिला परिषद से चुनाव लड़ा। मैं कल्पना भी नहीं किया था कि अभी जिला परिषद, सोचा था 5 साल के बाद लड़ूंगा, लेकिन नौजवानों की टोली मुझे मैदान में उतार दी और सबसे कमजोर प्रत्याशी मैं ही था, क्योंकि कोई दो दो गाड़ी तीन तीन गाड़ी से घूमता था, मैं एक मोटरसाइकिल से घूमता था, एक मोटरसाइकिल लेकर जाता था, 20-25 ऑटोमेटिक मोटरसाइकिल नौजवानों की टोली मेरे साथ लग जाती थी। तो मैं जीता भी तो ये लोहार कल्याण समिति का रियल, आज मैं जिला पार्षद हूं तो लोहार कल्याण समिति का रियल है। मैं लड़ा, मैं जिस गांव से आता हूं, मेरा पंचायत का नाम है हरियाणा वासित लोहार, मैं एक ही घर हूं, लेकिन एक घर में हम लोग 250 आदमी है, मेरे उम्र के 60-70 आदमी हम लोग है, लंबा फैमिली है। लेकिन कभी सिवान आइएगा, मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूं, तो मेरा नाम एक बार जरूर करिएगा। तो उस लायक मैं वहां पे बनाकर रखा हूं सिर्फ लोहार कल्याण समिति के द्वारा। संगठन मजबूत है तो आप ही मजबूत है। मेरे जिला में अगर कोई शर्मा की बात आती है तो एक बार जो भी जिस थाने के दरोगा जी, एक बार जरूर हमसे पूछते हैं कि सुजीत जी देख लीजिए, ये मैं कई मतलब राजनीतिक वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, इसका जागता हुआ उदाहरण हमारे प्रदेश अध्यक्ष है। तो संगठन में ये बल है, तो मैं चाहूंगा, मैं भी बिहार का दौरा करता रहता हूँ, आदेश होता है तो जाता रहता हूँ, टाइम का तो खैर बहुत अभाव है, क्योंकि एसटी का जिला अध्यक्ष हूँ, अपने समाज का जिला अध्यक्ष हूँ, भोजपुरी इसी में फिल्म भी करता हूँ, 10-12 फिल्म भी कर लिया हूँ, 20-25 मेरा गाना भी आ चुका है, और आप सभी के प्यार स्नेह मिलता रहता है मुझे। अभी मुझे एक हिंदी भी मूवी मिला है, दिसंबर के लास्ट में उसका जलंधर में शूट होने वाला है, उसका जो म्यूजिक डायरेक्टर है मनु दुबे, अभी कजरिया फिल्म में म्यूजिक दिया है, पहला लुक भी उसका आ चुका है, उसमें मुझे हीरो का बड़ा भाई का किरदार निभाने का मुझे मिला है, लेकिन मैं हीरो का रोल नहीं करता हूँ, मैं एक नंबर का गुंडा का रोल करता हूँ। अब मेरी जो भी फिल्म देखिएगा, अभी दो फिल्म मेरी आ रही है, क्यों प्यार ना करे और एक जाने सरफरोश, और तीसरा जो अभी आपके बगल के प्रमोद प्रेमी है, आरा के ही है, उनके साथ भी हम लोग बॉम्बे फिल्म करके आए हैं, गर्व से बोलो वंदे मातरम। उस पहला फिल्म में मैं हीरो का किरदार किया हूँ, वो भी फौजी का, प्रमोद प्रेमी का बड़ा भाई हूँ, मुझे हीरो का रोल करने में मजा नहीं आता है, क्योंकि मुझे जो गुंडा में काम करने मतलब भोजपुरी में बोल रहा हूँ, गुंडा का बात है ना, असली गुंडा ही होता है फिल्म का, जिस फिल्म में गुंडा ना हो फिल्म फ्लॉप। इसलिए मैं जो भी रोल करता हूँ विलेन का ही करता हूँ, बहुत सारा हमारा मेरा चैनल भी है सुजीत रूपुल्ले, उसमें आप सर्च मारिएगा तो मुझसे जुड़ जाइएगा, और तेरा जितना भी गाना जो मैं एक्टिंग किया हूँ 20-22 गाना, तो एक सिंगर है मेरा दोस्त अखिलेश उपाध्याय, वीडियो सॉन्ग मारिएगा यूट्यूब पे, अखिलेश उपाध्याय वीडियो सॉन्ग, सारा गाना आ जाएगा। मैं कोई गलत गाना पे एक्टिंग नहीं करता हूँ, साफ सुथरा मैं वैसा गाना पे करता हूँ कि पूरे परिवार के साथ आप बैठ के उस गाने को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, इस समाज में एक अच्छा संदेश जाए। चलिए, ये तो मेरा अपना व्यक्तिगत परिचय रहा। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, आप जितने भी यहाँ गार्जियन बैठे हैं, सम्मानित गार्जियन भाई, आप पहले अपने बच्चों और बच्चियों पे विशेष करके ध्यान देंगे, और खास करके शिक्षा पे जरूर ध्यान देंगे, शिक्षा दीजिएगा तभी हमारा जो एसटी का लाभ है वो हम ले पाएंगे। तो पहला मेरा आग्रह होगा कि आप अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दें और उससे फोकस करें। दूसरी बात राजनीति की, तो हमारी राजनीतिक में भागीदारी बहुत कम हो चुकी है भी, क्योंकि हम आपस में बहुत नेतागिरी करते हैं। तो मैं सारे नेता से बोलना चाहूंगा, जितने भी विकास मंच, कौन मंच, विश्वकर्मा मंच, कहाँ के मंच, मंच सिवान के मंच, कौन सारा मंच हम मतलब हमको देखने को मिला है, तो मैं चाहूंगा कि जिसको राजनीति करना है भाई करे, जिस पार्टी से करना है करे, लेकिन जब लोहार की बात आए तो आप सारा मंच एक तरफ छोड़ दीजिए और लोहार कल्याण समिति के मंच पे आके अपना काम करने का प्रयास करें। मैं भी आपके साथ रहूंगा।
ये आपकी सोच होनी चाहिए। तो ये जितने भी नेता है, मेरा आग्रह होगा कि आप कम से कम अपने जाति में राजनीति न करें, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न करें। तीसरी बात, आपस में आपकी भाईचारी होनी चाहिए। हम सब पांच भाई हैं, आज हम आए हैं तभी तो आप हमको जानते हैं। बहुत सारे मंच पे हैं जो हम जाते हैं तो हम नाम जानते होंगे। आज आए हैं तभी ना हमारे इतने भाई हमको जाने हैं, जो दीवार में सुजीत शर्मा और दुले शर्मा है, तभी जानते हैं। तो आपस में प्रेम भाव, जो प्रेम का होता है वो, और आपस में मिलान होना चाहिए। जहां भी आप रहिए, दस भाई के साथ बैठ के हाल चाल लेते रहिए। कुछ दे नहीं सकते हैं तो अगर सुख दुख उसके साथ में तो उसके पास जाइए, उसके साथ भागीदारी बनिए, उसके दरवाजे पे एक गिलास पानी पीजिए। इससे क्या होता है, संगठन मजबूत होता है, आपसे प्रेम मोहब्बत होता है। तो ये आपके अंदर होनी चाहिए, खास करके नौजवानों में। अब कोई भी बात विवाद हो आपस में, आप 11 पंचायत का सम्मेलन करा लीजिए, चुनाव करा लीजिए, आप उसमें कमेटी बना लीजिए, प्रखंड बाई प्रखंड, उसके बाद पंचायत अफसर भी बना लीजिए, ताकि आपका शक्ति मजबूत हो जाएगा। हम सिवान में 1900 प्रखंड का, 19 प्रखंड है सिवान में, पूरे कमेटी का गठन करा के दो बार, मतलब 6 साल में दो बार प्रखंड कमेटी के दो दो बार चुनाव करा के दो बार मैं जिला सम्मेलन करा दिया। एक सामान्य सम्मेलन, एक जिला सम्मेलन, सारे लोग गए थे, 50,000 लोग गए थे। लोहार की पहली बार में उस तरह का आयोजन हुआ था, पता कर लीजिएगा। तो ये रही संगठन की बात, और साथ ही संगठन चलाने के लिए कुछ की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे वक्ता इस चीज को भूल गए हैं, मेरे दिमाग में है। हमारे अब सिवान से आएंगे तो मेरे पास बाइक हो और उसमें तेल ना हो तो चले आएंगे, नहीं आएंगे सब लोग, जैसा होता नहीं है। तो हम चाहेंगे कि बक्सर से शुरुआत हो, और बक्सर की जो यहाँ के हमारे भाई है ना, बहुत बलवान है और बहुत शक्तिवान है और बहुत पूंजीवाद भी है। तो हम चाहेंगे कि 1-1,000 का शुल्क निर्धारित करें और अपना जिला का सम्मेलन करा ही के कुछ प्रखंड बाई प्रखंड में कर दे, कुछ जिला में कर दे, उसके बाद कुछ प्रदेश में कर दे। कि बिहार का दौरा जिन भी नेता को करना हो, कम से कम उसके लिए पॉकेट में पैसा होना चाहिए ना। तो उनको न लगे कि भाई हम समाज के लिए कुछ कर भी रहे हैं और घर बेच के अपना लगा भी रहे हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ से शुरुआत हो, उसकी भी जरूरत हो, और इतना व्यवस्था है तो जो भी हमारे भाई आएंगे, हम चाहेंगे भाई टेंट गिरा है, मैक आया है, भोजन का व्यवस्था है, 2 रुपया 4 रुपया 1 रुपया जो भी सहयोग हो, कम से कम यहाँ के कोषाध्यक्ष जी को दे कर जाएंगे। ये मेरा आग्रह होगा, क्योंकि लगता है ना जी, अब एक बार किसी पे डाल दीजिएगा, फिर अगला बार कहेगा कि हम मीटिंग वोटिंग नहीं बुलाएगा। तो थोड़ा सा इसलिए आप लोग सम्मानित है, सभी समझदार है, इसलिए फोकस कीजिएगा। और दूसरी बात, हम लोग दहेज, दहेज के, अच्छा इसमें कितने भाई है जो दहेज अपने लड़के का शादी करेंगे तो नहीं लेंगे, थोड़ा सा हाथ उठाइएगा।